हम सबको दिख रहा है कि लंपी एक महामारी का रूप ले रही है। गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की पूरी टीम लगातार लंपी की बीमारी ग्रसित गौ माताओं के इलाज में जुटी हुई है। आज की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एम्बुलेंस गई थी पूरे फील्ड में लगातार लंपी की गायों का उपचार करने। पहले एक बछड़ा मिला जिसका ट्रीटमेंट किया, पूरे शरीर पर फोड़े हुए थे, उसका लगातार इलाज किया जा रहा था। लेकिन वहीं रास्ते में रोड पर पड़ा हुआ एक बछड़ा दिखा। डॉक्टर्स की टीम रुकी और देखा तो काफी कमजोर था। किसी भी व्यक्ति ने एक कॉल तक नहीं की कि इस बछड़े को गौ सेवाधाम में ले जाया जाए या इसका उपचार किया जाए, जबकि गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क इलाज किया जा रहा है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। एक और फोन कॉल आया तो उसमें भी बताया गया कि एक बछड़े को 2-3 दिन से लंपी है और वह बेचारा झाड़ियों में पड़ा हुआ है। 2-3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया और बहुत ज्यादा कमजोर था। एम्बुलेंस वहां से आ रही थी तो एम्बुलेंस में उसे रख लिया गया। एक घर में कुछ दिनों से कुछ लोग सेवा कर रहे थे और उस गाय को भी लंबी महामारी थी, लेकिन वह गाय भी काफी कमजोर हो गई थी। हमारी रेस्क्यू टीम ने उस गौवंश को भी एम्बुलेंस में रख लिया। सभी को गौ सेवाधाम के द्वारा जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया वहां लाया गया, वहां उनको एडमिट किया गया। लगातार उनका इलाज और रख रखाव आगे गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम करेगी। प्रभु से ऐसी कामना करते हैं कि सभी जल्दी स्वस्थ हों और गौ सेवाधाम की सेवा के लिए आपका सहयोग, आपका सपोर्ट तो जरूर बनता है।